आज बिग बॉस के घर में होगा शहनाज का स्वयंवर, और आपको बता दें कि इस स्वयंवर में खिसारी लगाएंगे शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी का तड़का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव एक से बढ़कर एक शायरी बोलेंगे और घर वालों का एंटरटेनमेंट करेंगे। वहीं पर जैसे ही खेसारी की शायरी ख़त्म हुई और शहनाज उस शायरी पे डांस करके ख़त्म होंगी कि तुरंत शहनाज कहेंगे घर वालों को कि कोई जाए मेरे पिताजी के लिए फ्रूट काट के लेके आए। अब भाई जो ये पूरी स्टोरी है उसमें शहनाज के पिताजी का किरदार निभा रहे हिंदुस्तानी भाऊ। हिंदुस्तानी भाऊ के लिए किसी को काट के लाना है फल, और वो किसी में कौन है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जाते हैं और किचन एरिया में, वहाँ पर फ्रूट काटने, और ऊपर से शहनाज की डिमांड है कि उन्हें ऑरेंजेस खाने, यानी उनके पिताजी को ऑरेंजेस खाने। और इसी बीच सिद्धार्थ और आसिन की होती है ज़बरदस्त लड़ाई, क्योंकि सिद्धार्थ कहते हैं अरे उसको ऑरेंजेस खाने हैं, यानी कि शहनाज के पिताजी को ऑरेंजेस खाने हैं, और असीम कहते हैं कि जब ऑरेंजेस हैं ही नहीं तो मैं ऑरेंजेस कहाँ से दूँ। और इसी बात को कहते हुए सिद्धार्थ से झटक कर वो आगे चले जाते हैं। सिद्धार्थ को ये बात बुरी लगती है और वो बोलते हैं कि तूने झटका कैसे दिया। और तब असीम गुस्से आके सिद्धार्थ को धक्का मारते हैं, और वहीं से शुरू हो जाती है बिग बॉस की एक और लड़ाई। जी हाँ, बिग बॉस के घर में आसिन और सिद्धार्थ की फिर एक लड़ाई होती है। भाई अभी वीकेंड के वार में सलमान खान ने इन्हें दोस्ती का पाठ पढ़ाया था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सलमान की वजह से इन दोनों में फिर से प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थी। लेकिन अब क्या, अब तो फिर इन दोनों में लड़ाई हो गई है। क्या ये लड़ाई असली है या फिर है फेक घर वालों को दिखाने के लिए? लेकिन भाई जो भी है, अगर ये लड़ाई असली है तो घर में दो गुट बनना जाहिर सी बात है, एक होगा आसिन का और दूसरा होगा सिद्धार्थ का। ये सब कुछ हो रही है फाइनल की तैयारी, क्योंकि सब जानते हैं कि फाइनल में सिद्धार्थ और असीम ही एक दूसरे से भिड़ेंगे। वैसे असीम रियाज और सिद्धार्थ के लिए ये फुटेज खाने का बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी हर एक एपिसोड में ये दोनों अपने आप को एक बेहतर प्लेयर की तरह निखारते जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर में आज के इस स्वयंवर में रंग में भंग डालने वाले सिद्धार्थ और असीम क्या करते हैं आगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।